हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब हम इंस्टाग्राम एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम एकोनिकास, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आपका सामने एक वीडियो ले आया। तो गाइस, आप जानते हो इस चैनल पर मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ। तो उसके लिए आज मैं कुछ एडिटिंग किया, तो आज मैं पबजी बैन के लिए एडिटिंग किया। तो गाइस, इस तरीके का, तो गाइस आप जानते हो हमारा इंडिया में पबजी बैन कर दे, तो उसके लिए बहुत दुख होगा ये फोन में बना। तो इसे फोन एडिटिंग करने के लिए जो जो पीएनजी एंड बैकग्राउंड में यूज़ किया, सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया, मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना, ओके। और गाइस, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये बैकग्राउंड पिक्चर के अंदर ओपन कर लेना। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर एक मॉडल का ऐड कर लूँगी। तो इस मॉडल का बैकग्राउंड में कैसे इरेज किया पहले, तो सब नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बुक में एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू प्रोफेशनल बैकग्राउंड इरेज, आप जाकर उस वीडियो देख सकते हो। बहुत टाइम लगता है बैकग्राउंड इरेज करने में, उसके लिए इस वीडियो के अंदर मैंने नहीं दिखाया। इस वीडियो के अंदर दिखा हो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ट्यूटोरियल बहुत लंबे हो जाएगा। तो ठीक ठाक से यहाँ से सेट कर लो इस बैकग्राउंड के ऊपर, सिंपली कैसे सेट करते आप देख लो। मैं बहुत बात नहीं करूँगा, बहुत बात करूँगा तो आप बोल सकते हो ये बहुत बात ही करता है, ओके। तो ये सिंपली कुछ पीएनजी में ऐड करूँगा, तो एक बैटल ग्राउंड को पीएनजी ऐड कर ले और एक पबजी पीएनजी ऐड कर ले। तो पबजी पीएनजी का कलर हमारा चेंज करना होगा, तो कैसे आप चाहो तो ये चेंज कर सकते हो। तो सिंपली एडजस्ट के अंदर जाके ह्यू चेंज कर दो, ह्यू चेंज करोगे तो हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो स्लाइड करके नैरो कर लो, नैरो करके यहाँ लगा दो पबजी, और ये बैटल ग्राउंड पीएनजी को यहाँ लगा दो। इसको कलर नहीं चेंज करना है तो पबजी के यहाँ से हटा दो, वो हमारा बैंड पीएनजी लगाना होगा। तो सिंपली हो गया, तो सिंपली कर दूंगा डन। ये दोनों पीएनजी लगाने की काम ख़त्म, तो सिंपली कर दूंगा डन, ओके। तो डन करने के बाद और कुछ पेंज ऐड करूँगा, तो जो कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक एक करके सब देख लेना, सब डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दे। तो इस फायर पीएनजी का ब्रांड को स्कैन कर दो, करने के बाद यहाँ लगा दो, ताकि ऐसा लगेगा नीचे से हमारा फायर निकल रहा है, ओके, पबजी का फायर है। तो इस भी सेम तरीके से ब्रांड को स्कैन कर देना, करने के बाद यहाँ लगा दो। तो इस तरीके कैसे लगा तो बहुत अच्छा, तो हमारा मॉडल का स्क्रीन के ऊपर पड़ जाएगा। तो सिंपली इसका ब्रांड को कर देना स्किन, करने के बाद इसको भी सेम तरीके से कर देना, मॉडल का बॉडी के ऊपर पड़ना चाहिए। तो सबका एवरेसिटी को थोड़ा सा कमाऊँ तो एकदम अच्छी क्वालिटी दिखने लगे, तो थोड़ा सा कमा दूंगा सबका एवरेसिटी। सो हो गया, सिंपली कर देना डन। डन करने के बाद गाइस, और कुछ पीएनजी में ऐड करूंगा। तो और पीएनजी क्या है, ये है, तो इसका ब्लेंड को कर दूंगा स्किन करके यहाँ से लगा दूंगा, ताकि नीचे से हमारा डस्ट आ रहा है, हमारा फायर का डस्ट। इसका क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं जानता, आप जानते हो मैं बंगाली हूँ, हिंदी में थोड़ा जानता हूँ, कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिए, क्षमा कर देना, ओके। तो सिंपली हमारा इस बार बैनर पीएनजी ऐड करना होगा, जिसके लिए हमारा आस्का रेटिंग पबजी बैन कर दिया, बहुत दुख हुआ मुझे, मैं भी पबजी खेलता हूँ गाइस, बहुत अच्छे नहीं खेलता हूँ लेकिन खेलता हूँ। तो सिंपली कर दूंगा डन। डन करने के बाद ड्रॉ के अंदर जाके ये सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद ये फोटो हमारा सिंपली लेना होगा लाइट रूम में, लाइट रूम के अंदर हमारा खास एडिटिंग होने वाला है, तो उसके लाइट रूम का ट्यूटोरियल मिस मत करो, ओके। तो गाइस, कैसे ऐड करते हैं आप तो जानते हो, तो देख लो। तो लाइट रूम के अंदर ऑलरेडी ये फोटो मैं ऐड कर भी लिया, तो ओपन कर भी लिया लाइट रूम के अंदर। तो सिंपली कुछ स्टेप यूज़ करके ये फोटो हमारा एडिट करना होगा। तो पहला स्टेप है हमारा ब्राइटनेस, जो ऑप्शन दिख रहा हो, सन जो आइकन दिख रहा हो, तो उसके ऊपर अगर जाना होगा। तो गाइस देखो, बहुत एचडी फोटो है, तो एचडी से ही हमारा एडिट करना होगा। तो सिंपली सन आइकन पे जाऊंगा, एक्सप्लोर का थोड़ा सा बाद दूंगा, कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा बाद दूंगा, और हाईलाइट्स को थोड़ा सा बाद दूंगा, हल्की से बाद होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनूँगा। तो हाईलाइट्स को कमाओ तो कैसे लगेगा, तो कमाओ देना, ओके। तो सिंपली व्हाइट को थोड़ा सा कमा देना, ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देना। तो ऐसे देखो, लाइट देने के बाद हमारा व्यूपर कैसे था पिक्चर के अंदर, और लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद कैसे हुआ, देखो गाइस, लाइट हमारा पूरी बार बहुत अच्छी लुक डाला है। तो सिंपली हमारा इस बार जाना होगा कलर में, कलर में जाने के बाद टेम को थोड़ा सा बाद होगा, टेम हमारा पूरी बार येलो लुक आज डालेगा। तो सिंपली टिन को थोड़ा सा माइनस कर देना, तो टिन माइनस करो तो जहाँ जहाँ हमारा ब्लू कलर है वो येलो कलर जैसा हो जाए। तो सिंपली मिक्स पे जाना, मिक्स पे जाके रेड कलर आपका मर्जी में कर सकते हो, और ये हमारा
बैकग्राउंड के हमारा फायर की कलर है येलो, तो उसका आपको मर्जी मेयर नहीं रखना। तो इसके सिचुएशन को थोड़ा सा कमा देना, ह्यू को थोड़ा सा कमा देना। कमाने के बाद इसका सिचुएशन को एकदम माइनस 100 कर दो। इसका सिचुएशन को माइनस 100 करो तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपली इसका सिचुएशन को एडजस्ट कर रहा हूँ, बहुत नींद लग रहा है मुझे। तो सिंपली ऑरेंज कलर में चूज़ कर लूँगा। ऑरेंज कलर चूज करने के बाद इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। पहले से ही ब्राइटनेस है हमारा मॉडल के ऊपर, फेस के ऊपर, तो उसके ब्राइटनेस नहीं बढ़ाना, सिंपली सिचुएशन को कमा दूंगा। तो ये करने के बाद देखोगे हमारा पूरे के ऊपर कितना अच्छा लुक है, बहुत अच्छे लग रहा है। तो और एक स्टेप हमारा जाना होगा इफेक्ट में, ये डालने के बाद हमारा पूरे के ऊपर क्रिएटिविटी लुक आ जाएगा। तो टेक्सचर का थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, टेक्सचर डालने के बाद हमारा पूरे के ऊपर क्रिएटिविटी से लुक एज लुक आ जाएगा। तो डीएस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। क्लैरिटी हमारे पूरे के ऊपर ब्लैक ब्लैक लुक डालते हैं और डीएस हमारे पूरे के ऊपर एज लुक डालते हैं। तो कैसे आप देख सकते हो कितना अच्छे लग रहे हैं। और बिगनर को हल्के से कमाओ तो हमारा पूरे का आसपास ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाए, हमारा फोकस हमारा मॉडल के ऊपर पड़ जाए। ओके, तो गैस देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बिफोर कैसे था पिक्चर के अंदर, और लाइट रूम के अंदर एडिट करने कैसे हुआ। और भी अच्छा करना चाहते हो तो गैस सिंपली हमारा जाना होगा कलर में, मिक्स पर जाना होगा, ऑरेंज कलर चूज करना होगा और सीजन को और भी कमा देना होगा, ताकि हमारा फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा रेड इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, एकदम अच्छी क्वालिटी पूरा बन जाएगा। तो देखो बिफोर कैसे था और लाइट रूम के अंदर एडिट करने कैसे हुआ। तो लाइट रूम के अंदर बहुत ही अच्छी एडिटिंग होते हैं। तो गैस आप अभी तक नहीं समझा तो गैस ए टू जेड फिर देख लो। तो सिंपली हमारा जाना होगा डिटेल्स में, शार्पनिंग को थोड़ा सा बांध होगा, नॉइस रिडक्शन को बांध होगा और कलरनेस को थोड़ा सा बांध होगा, ताकि हमारा फोटो के ऊपर जो नॉइस था पहले से जो नॉइस था सो वो रिमूव हो जाएगा। तो गैस देखो ऑलरेडी रिमूव हो भी गया, एकदम स्मूथनेस फोटो बन गया। ये फोटो आप कभी भी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा लाइक आ जाएगा। तो इस मेरा उम्मीद है ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ सब्सक्राइब।